हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं तुम्हें ओटी टेक्नीशियन कोर्स के बारे में फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, जैसे कि ओटी का फुल फॉर्म, ओटी क्या है, ओटी कोर्स डिटेल्स इन हिंदी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ओटी कोर्स की जानकारी, ओटी टेक्नीशियन कोर्स ड्यूरेशन, सभी डिटेल्स मैं तुम्हें सिंपल एंड आसान भाषा में बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखना, एंड नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जो विद्यार्थी मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन MBBS या BDS जैसे लंबे कोर्स नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स एक बेहतरीन विकल्प है। इस कोर्स के माध्यम से विद्यार्थी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के सहायक के रूप में कार्य कर सकता है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर से संबंधित उपकरणों की जांच कर ऑपरेशन से पहले तैयार रखना तथा ऑपरेशन के दौरान मुख्य डॉक्टर की मदद करना आदि कार्य होते हैं। विद्यार्थी इस कोर्स को लेकर काफी असमंजस में रहते हैं कि यह कोर्स डिप्लोमा कोर्स है या डिग्री कोर्स है। इस प्रकार की और भी दुविधा विद्यार्थी के मन में होती है, जैसे कि ओटी कोर्स क्या होता है, ओटी कोर्स कैसे करें, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कैसे बने, ओटी कोर्स फीस कितनी होती है, ओटी फुल फॉर्म क्या है, ओटी टेक्नीशियन कोर्स ड्यूरेशन क्या है, इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। इस वीडियो में विद्यार्थी के इन्हीं सभी सवालों का हिंदी में विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। क्या बात है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसे डिप्लोमा और ग्रेजुएशन डिग्री दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। इस कोर्स में ऑपरेशन थिएटर से संबंधित कार्यों की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस कोर्स को पूरा करने के पश्चात ऑपरेशन थिएटर में सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। भारत में यह कोर्स डिप्लोमा तथा ग्रेजुएशन डिग्री दोनों में उपलब्ध है। जिन विद्यार्थियों के पास समय की कमी होती है, वह विद्यार्थी ग्रेजुएशन डिग्री की स्थान पर डिप्लोमा कोर्स डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 वर्ष का समय लगता है। ओटी टेक्नीशियन कोर्स को ग्रेजुएशन डिग्री के रूप में करने के लिए BSc ग्रेजुएशन डिग्री में ओटी टेक्नीशियन विशेषज्ञता का चयन करना होता है। इसे करने में 3 वर्ष का समय लगता है। ओटी टेक्नीशियन कोर्स क्या होता है की जानकारी प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी के लिए ओटी कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए ये भी जान लेते हैं। विद्यार्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा का उत्तीर्ण होना जरूरी होता है। 11th और 12th क्लास में विद्यार्थी के पास साइंस के विषयों का होना अनिवार्य है। प्रवेश लेते समय विद्यार्थी की आयु कम से कम 17 वर्ष होनी आवश्यक है। कुछ संस्थान में इस कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा भी देनी होती है। अन्य संस्थानों में कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। जो विद्यार्थी ऊपर दिए गए सभी पड़ाव को पार कर लेता है, उसको इस कोर्स में प्रवेश ले सकता है। इस कोर्स को डिग्री के रूप में करने के लिए आम ग्रेजुएशन डिग्री की तरह 3 वर्ष लगते हैं, जिसमें इन 3 वर्षों को 6-6 महीने के 6 सेमेस्टर में बांटा जाता है। वही डिप्लोमा कोर्स में 2 वर्ष का समय लगता है। इस कोर्स को अलग अलग कॉलेज में सालाना और सेमेस्टर दोनों रूप से कराया जाता है। जहां सेमेस्टर सिस्टम होता है, वहां पर इस डिप्लोमा कोर्स के 4 सेमेस्टर होते हैं। ओटी टेक्नीशियन कोर्स की फीस डिप्लोमा कोर्स के लिए 5,000 रुपीज से लेकर 3 लाख रुपीज तक हो सकती है। वही BSc इन ओटी टेक्नीशियन की फीस 10,000 रुपीज से लेकर 7 लाख रुपीज तक हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कॉलेज की अपनी अलग अलग फीस निर्धारित होती है, इसलिए इस कोर्स की फीस की कोई एक संख्या दे पाना आसान नहीं है। अब मैं तुम्हें इस कोर्स के सिलेबस के बारे में भी बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर में ए सिलेबस रहेगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सर्जरी, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन एंड वेस्ट डिस्पोजल, बेसिक्स ऑफ एनेस्थीसिया एंड CPR, कंप्यूटर एंड डेटा प्रोसेसिंग। एंड सेकंड ईयर में इक्विपमेंट्स, नो हाउ एंड मेंटेनेंस ऑफ OT टेबल्स, OT लाइट्स, डायथर्मी, सकर मशीन, ETC, स्पेशल सर्जरीज, कॉमन ऑपरेशंस एंड लेइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रॉलीज, प्रैक्टिकल क्लासेस, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, CTVS, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑप्थैल्मोलॉजी, ENT, OT असिस्टेंट। सिलेबस की जानकारी जानने के बाद तुम्हारे लिए इस कोर्स के स्कोप के बारे में जानने की उत्सुकता होगी। कोर्स करने के बाद जॉब भी जान लेते हैं। OT टेक्नीशियन, एनेस्थेटिस्ट कंसल्टेंट, एसोसिएट कंसल्टेंट, टीचर एंड लेक्चरर, लैब टेक्नीशियन। अब सैलरी भी जान लेते हैं। इस कोर्स को करने के बाद रोजगार के रूप में जो वेतन प्राप्त होता है, उसकी बात की जाए तो शुरुआत में औसतन लगभग 15,000 रुपीज से लेकर 25,000 रुपीज तक वेतन मिलता है। जैसे जैसे टेक्नीशियन को ऑपरेशन थिएटर में कार्य करने का अनुभव होता जाता है, वैसे वैसे उसकी तनख्वाह भी बढ़ती रहती है। कुल मिलाकर चिकित्सा क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए यह कोर्स एक बेहतरीन विकल्प है। तो गाइज, आज के वीडियो में ये थी इम्पोर्टेंट कोर्स की डिटेल। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।